नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर है क्या कहती है कुरान एपिसोड में, बात करने के लिए स्वामी जी से, जानने के लिए कुरान से जुड़ी ही रहस्यमय बातें। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। आप हमेशा एक व्यक्ति के बारे में जिक्र करते हैं कि वो एक व्यक्ति है जो ब्रह्मांड में यात्रा करके आया है, ईश्वर से मिल के आया है, लेकिन वो कानून व्यवस्था से नाराज रहता है, क्या वजह है इसकी? देखिए, कानून व्यवस्था अपने देश की, भारत की, संसार से नहीं। जी कैसे? देखिए, हमारे यहाँ आपको एक बड़ा एक दुखद बात आपको बताई जाती है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जब, तो उन्होंने इंटरनेशनल मंच पे एक बात बोली थी कि भारतीय कानून व्यवस्था का विदेशों में मजाक उड़ाया जाता है। तो व्यक्ति बड़ा मन ही मन प्रसन्न हुआ कि ये तो लाइटनिंग बात बोले, इसके बाद तो कानून व्यवस्था पे कुछ निगाह करेंगे जब प्राइम मिनिस्टर ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ये बात बोल रहे हैं। मगर उसके बाद भी इन मरणीय सिस्टम ने कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री, कोई भी व्यक्ति जिस किसी के कान में जू भी नहीं रहेगी, और वो सिस्टम जस का तस, जो बर्बाद था, जो बर्बाद है, रहेगा नहीं रहेगा मालूम नहीं, कि बिल्कुल जीरो। उसने जो किताब लिखी है वो किताब उसने सब जगह भेजी है, सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन को, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, मंत्रियों को, यहां वहां। उसमें उसने कानून के लिए धज्जियां उड़ाने वाली बातें लिखी हुई हैं, हिजड़ा ये वो। कानून जो है, कानून अपने आप में ईश्वर का रूप है, और जहां न्याय व्यवस्था खत्म हो वहां कुछ नहीं हो सकता। आपको जो एक एपिसोड में शायद बताया था कि यदा यदा ही धर्म से, ये सनातन धर्म वाले भी नहीं समझ पा रहे, तो यदा यदा ही धर्म से में उसमें डिटेल में बताया कि धर्म ये नहीं है कि धर्म की जब जब हानि होगी, धरती पे भगवान आएंगे, धर्म की हानि तो हो ही नहीं रही। देखिए, बाबाओं के पंडाल करोड़ों रुपए के बन रहे हैं, सोने की ईंटें बन रही हैं, ईंटों सोने की ईंटों से मंदिर बन रहे हैं, मस्जिद बन रही हैं, बोलने वाली की गीता और गाने वाली कुरान और हीरे की बाइबल और हीरे के मंदिर, तो धर्म तो प्रॉफिट में जा रहा है। मगर धर्म क्या है? जो रामदेव बाबा हरिद्वार वाले कहते हैं कि जो मन माने धर्म, जो मन माने वो अधर्म, जो ना माने वो अधर्म। तो आप देखिए, स्कूलों में जाइए, धर्म हो रहा है अधर्म, वो फीस लेकर भी नहीं, उनका पेट भर रहा, भी ट्रांसपोर्ट लो, किताबें लो, जूते लो, उसके बाद वो हमारे यहाँ से खाना खाओ, फिर एनुअल फीस लो। तो स्कूलों में धर्म होता है धर्म, कोर्ट में चले जाइए धर्म होता है धर्म, अस्पतालों में चले जाइए, डॉक्टर इतनी फीसें लेने के बाद भी मल्टीपल टेस्ट कर रहे हैं, फालतू के टेस्ट कर रहे हैं, उल्टी सीधे जैसे तैसे इंश्योरेंस CHS कार्ड लूटने में सब एक दूसरे को लगे पड़े हैं। आप सरकारी ऑफिस में चले जाइए, धर्म हो रहा है धर्म। बताइए, एक अथॉरिटी है यहीं कहीं दिल्ली के आसपास, उस अथॉरिटी में जिसको जमीन मिली हुई है, जो आवंटी है, वही नहीं अंदर जा सकता। वो जाता है तो पुलिस उसको उंगलियों में उंगलियां डालकर कैदी की तरह बाहर लेकर आ जाती है, बड़े इंस्पेक्टर के पास ले जाती है। वही नहीं लोग, जिस सरकारी डिपार्टमेंट में पैर छूकर रिश्वत देकर नहीं आदमी काम करा सकता, वहां आप जाने से भी एंट्री बंद कर दीजिए। तो ये धर्म हो रहा है अधर्म, तो ये बड़ा खेल है। कुरान पे आ जाइए, अब आप कुरान क्या कहती है धर्म अधर्म के बारे में। कुरान में एक सुलेमान नबी का उल्लेख है, वो आप रात को अपने घर में इबादत कर रहा था, दो भाई दीवार कूद कर अंदर आ जाते हैं अपना किस्सा लेकर, 33,000 जबकि गार्ड खड़े हुए किले के बाहर। ये बड़ी कुरान के अंदर एक वर्जन है, 5-7 आयतें ही हैं, मगर इस 5-7 आयतों को ही अगर भारत सरकार लागू कर देना तो आप देखिए कैसा रिफॉर्म आ जाएगा कि धरती स्वर्ग बन जाएगी। वो आयतें ये हैं कि वही शॉर्टकट में बताया जाएगा आपको, वैसे तो आयतों का वर्णन करने के लिए 10 साल चाहिए 5 आयतों का, मगर आपको वो दो भाई जब कूद कर अंदर आ जाते हैं तो राजा हैरान हो जाता है, पहले तो वो घबरा जाता है कि अंदर कहां से आ गए, मगर चलिए वो फरिश्ते का रूप माना जाएगा, जैसे भी वो अंदर आ गए इतनी सैनिकों को लांग कर, इतनी ऊंची दीवारें लांग कर। फिर वो एक भाई कहता है जी मेरे पास 90 भेड़ हैं, इसके पास एक भेड़ है, और ये 99 भेड़ हैं इसके पास, मेरे पास एक है, और ये मेरा भाई मेरे पर जुल्म कर रहा है, कह रहा है तू वो भी एक मुझे दे दे। अब देखिए, वो जो नबी हैं वो उनको वो बताते हैं कि भाई आप गलत कर रहे हो, ये है वो है करके, वो छोटी सी है। फिर उसमें नबी देखिए उस आयत के अंदर इतना सुंदर उल्लेख करते हैं वो पैगंबर, वो कहते हैं भाई जहां भी लोग आपस में रहते हैं एक दूसरे से बर्तन तो बचते ही हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं, तो तू ये गलत कर रहा है, तू 99 जब तेरे पास है तो तू ऐसे ना कर। तो देखिए वहां पर अगली आयत में जजिस के लिए एक आयत आ रही है कि अल्लाह के, फिर वो माफी मांगता है भगवान से कि अच्छा मेरे से थोड़ी सी चूक हो गई, मैंने जल्दीबाजी में दूसरे पक्ष को सुना नहीं और मैंने निर्णय अपना दे दिया, तो वो अल्लाह से माफी मांगते हैं, अल्लाह फिर उन्हें इंस्टेंट माफ भी कर देते हैं। तो ये देखिए 5-6 आयतों के अंदर इतना सुंदर वर्णन है कि इसमें एक आयत जजिस को भी कवर कर रही है। अल्लाह कह रहे हैं कि जजों को तो मैं बड़ा स्पेशल ध्यान दे रहा हूं,
ये जो आप देखते हो चौराहों पे जो भीख मांग रहे होते हैं, ये वही जजेस का रूप है जो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से अदा नहीं कर रहे। तो ये जो अगला जन्म है ना, इन अगले जन्म में बड़ी इसके पास इसका तो पूरा खाका उसने तैयार कर रखा है कि कौन अगले जन्म में क्या बनता है। तो आप देखिए भिखारी कितने अमीर होते हैं, उनके पास पैसे हर कार 10 रुपए दे रही है, हर रेड लाइट पे 100-200 कलेक्ट हो रहे हैं, मगर उसके बावजूद वो भिखारी बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने पिछले जन्म में अपनी ड्यूटीज को सही परफॉर्म नहीं किया। तो ये जजेस की वजह से पूरा अराजकता फैली हुई है, कानून व्यवस्था पूरी न्याय व्यवस्था की तरह की वजह से केवल खराब हुई पड़ी है। न्याय व्यवस्था जो पहले ही बता चुके अपनी कई एपिसोड्स में कि 9 दिन 9 अदालतें 9 महीने, एक ऐसा वो आ जाए पैरामीटर कि 9 दिन में पहला फैसला आ जाए। किसी से भी पूछा जाए भाई आप सरकारी ऑफिस आप चले जाइए, ये धर्म हो रहा है धर्म? राशन कार्ड बनवाना हो, आधार लेना हो, कोई सरकारी काम करना हो, आप कहीं भी चले जाइए, धर्म अधर्म की व्याख्या गीता जो कह रही है कि कन्हैया कन्हैया तुझको आना पड़ेगा वो नहीं है। श्लोक हम सही बोल रहे हैं तो सॉन्ग हम गलत गा रहे हैं, यह सॉन्ग हमारा सही है तो श्लोक गलत है। तो धर्म अधर्म को लेकर बहुत भारी ये जितना भी अनरेस्ट है, जितना भी मेस है समाज के अंदर, ये केवल न्याय व्यवस्था सही ना होने की वजह से। जो एक किराएदार बैठा हुआ फट से लड़ाई झगड़ा होता है मकान मालिक का, वो जाकर पुलिस कहेगा नहीं मैं तो 28 साल से बैठा हूं, 28 साल से पुलिस वाले को तो रैपट मारना चाहिए कि 28 साल से तू बैठा है साले, मगर उसकी 28 साल की सुनवाई 1 सेकंड में सबके हाथ पैर कांप जाते हैं, 28 साल पुराना किराएदार है। अरे भैया उसको छापड़ मार के बाहर करो, 28 साल से बैठा है, अपनी उसने 28 प्रॉपर्टियां बना ली उस प्रॉपर्टी में बैठकर, और वो उसकी नहीं खाली कर रहा जिसपे 28 साल से बैठे, कहां के नहीं है मैं ये अपनी 20 प्रॉपर्टियां बना रहे हैं और मकान मालिक की वही नहीं छोड़ रहा, तो छापड़ पड़े, एक कोर्ट में जाए ना ये मामला, बच्चों के मामले बड़ों के मामले, ये कोर्ट अगर फैसले करने शुरू कर दे तो कानून व्यवस्था तो ये तो धरती यही केस यही स्वर्ग बन जाए। मगर सब नेता चाहते हैं कि कानून व्यवस्था खराब रहे ताकि बिजली डिपार्टमेंट में रिश्वत चले, इनकम टैक्स में रिश्वत चले, हर जगह रिश्वत से लोग काम कराएं। अगर कानून कोर्ट में आप चले गए 9 दिन में ऑर्डर दे देगा कि भाई आपने कैसे जीएसटी पैसे लगा रखे, कैसे आपने इसके ऊपर ये कर रखा है, और 9 अदालतें हो मेरिट के ऊपर फैसला हो जाएगा, मगर नहीं सारी फिर ये कानून व्यवस्था ये सब चोरी वाले सिस्टम मतलब गलत सिस्टम पे चल रही है, खासतौर से भारत की, पाकिस्तान बांग्लादेश भी आसपास है मगर हमें अपना देश देखना है। अच्छा बात बताओ, वो जो व्यक्ति है जो आपके जीवन में है वो धार्मिक व्यक्ति है और कानून एक अलग मामला है, तो धर्म और कानून का क्या संबंध है, कैसे मिला रहे हो आप? देखिए जब आप बाइबल पढ़ेंगे ना तो बाइबल में ये बात 19 बार आ रही है कि ईसा मसीह के लिए वो कहते हैं कि भाई इसके तो उपदेश प्रवचन प्रवचन नहीं लगते, उपदेश लगते हैं, ये बात 19 बार आ रही है ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में 19 बार, ठीक है। तो जो व्यक्ति आता है वो फिर भगवान उसे खाली एक फील्ड का हरफन मौला बना के नहीं भेजते, भगवान उसको वर्षा टाइप सारे गुण दे देते हैं कि हर गुण हर फील्ड का इसको अच्छाई बुराई का एक आइडियोलॉजी उसके अंदर फिट कर देते हैं, जो 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 कुरान कहती है कि हम वो फिर उसकी वो सुन्नत बन जाती है, उसको वर्ल्ड उसको फॉलो करता है, जो गीता कहती है 5वें अध्याय में कि उस महापुरुष का फिर दुनिया अनुसरण करती है। तो वो व्यक्ति फिर जब आता है तो वो पूरा अपना पूरा पैकेज लेकर आता है, फुल्ली लोडेड कार जिसे बता रखे पहले वीडियो में, तो इस तरह से वो रिलेटेड हो। अच्छा अंतिम सवाल और जानना चाहूंगा मैं आपसे कि ये संसार में अनगिनत धर्म है, सैकड़ों देश भी है, सबकी अपनी मान्यता है, सारी चीजें हैं, तो क्या ईश्वर अल्लाह गॉड ये सब वैलिड है उसकी नजरों में? देखिए ये सब बातें आप जब आपको जब जवाब मिलने शुरू होंगे ना कुरान से ही हर बात, क्योंकि हम तो क्या कहती है कुरान, तो कुरान पढ़ने के बाद ही आप संसार का कोई उससे सवाल कीजिए वो आपको फट से जवाब देगा। क्या इसके बारे में कुरान कहती है कि तुम्हें जो मैंने अलग अलग धर्म दिए, तुम्हें मैंने अलग अलग पहचान दी, तुम्हें एक दूसरे को पहचान बनाने के लिए, ओ सरदार जी आना जरा, ओ जैन साहब पलटना जरा, अरे मौलाना कहाँ चल दिए, अरे शब्बीर भाई कहाँ जा रहे हो, अरे भाई खान साहब कहाँ जा रहे हो, अरे जॉन कहाँ चल दिए, ये पहचान दे दी। इसके अलावा जो देश बना दिए, तो अल्लाह ने भगवान ने सारा कुछ बंटवारा धरती पे कर दिया एक दूसरे की पहचान बनाने के लिए। और जो अल्लाह सबसे बड़ी बात कुरान के अंदर कह रहे हैं कि नेकी में तुम एक दूसरे से बढ़कर आगे जाने के लिए मैंने तुम्हें सीटी मार दी, अब तुम दौड़ लगाओ मेरी तरफ आने के लिए, मेरी तरफ आने के लिए एक ही रास्ता है। कुरान में 17 आयतें आ रही हैं कि फिर मैंने नेक कर्म वालों को जन्नत अदा की, फिर मैंने नेक कर्म, उसमें ईमान वर्ड नहीं आ रहा, 17, 109 आयतें तो ऐसी हैं जिसमें ईमान और नेक कर्म दोनों आ रहे हैं, मगर 17 आयतें ऐसी आ रही हैं जिसमें अल्लाह कहते हैं और नेक कर्म वालों को तो फिर मैंने उनपे नेमतों लुटा दी। तो अल्लाह कहते हैं कि मैंने तुम्हें अलग अलग पहचाने दे दी, मैंने तुम्हें अलग अलग वो दे दिए, धर्म दे दिए, अब तुम नेकी में मुझ तक पहुंचना क्या है, नेक काम करना,
तुम सब दौड़कर एक दूसरे से आगे निकल के दिखाओ। तो देखिए कहीं रशिया डोनेशन दे रहा है, तो कहीं चाइना भी काम कर रहा है, कहीं अमेरिका दान दे रहा है, कहीं कुछ ये इसलिए है। ये तो आपकी बातों से ये सार निकल के आता है, ये समझ में आया कि जो जितने भी धर्म है, जितने भी देश है, ये सर्व ईश्वर भगवान के प्रिय है, सब उनके बनाए हुए हैं, सब वैलिड है, सब वैलिड है। चलिए स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। नहीं है, सब वैलिड है। स्वामी जी आपका धन्यवाद समय देने के लिए। और दर्शकों से कहना चाहूंगा, देखते रहिए क्या कहती है पुराण।